हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे और खूब पढ़ाई करते होंगे। ठीक है बेटा, कल आपका ईवीएस का फर्स्ट पीरियोडिकल एग्ज़ाम है क्लास थर्ड में। आप लोग अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग बर्निंग। एयर जो है ब्रीदिंग के लिए भी यूज़ होता है, बर्निंग के लिए भी यूज़ होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर जो है कई गैसेस का मिक्सचर है। विच गैसेस इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड बाई प्लांट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एन एनिमल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग बाथिंग बोथ, मतलब नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी एनिमल को पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, आवर बॉडी कंटेन 70% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में 70% पानी है, 70% पानी है। फास्ट मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। द लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ, द लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाई प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्योर वाटर इज कलरलेस। अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन थ्रू वेल्स। ओके, नेक्स्ट इज राइट, ट्रू और फॉल्स। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। एयर इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, फॉल्स। एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स, ट्रू। वी शुड थ्रो गार्बेज इन द क्लोज डस्टबिन, ट्रू। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ट्रांसपीरेशन एंड मेकिंग फूड, ट्रू। रेन वाटर इज नॉट प्योर, फॉल्स। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर चुके हैं। ये ऑफलाइन क्लासेस में ही क्लास मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आप लोग लिखे भी होंगे, बहुत की बुक और कॉपी दोनों चेक भी है। नेक्स्ट इज हाउ डू वी फील एयर। हम लोगों को एयर कैसे फील होता है, कैसे फील होता है कि एयर जो है हवा में है, एयर जो है हमारे सराउंडिंग में है। एयर मीन्स तो हवा ही होती है, हमारे सराउंडिंग में एयर है, ये कैसे हमें फील होता है, तो हम इसका भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वी कैन फील एयर बाई ब्लोइंग क्लोथ्स एंड काइट्स। वी कैन फील एयर बाई मूविंग, वी कैन फील मूविंग एयर बाई ब्लोइंग क्लोथ्स, काइट्स, ट्रीज, प्लांट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज वॉट इज एटमोसफियर। The layer of air surrounded the earth is called atmosphere. Next question, what is photosynthesis? The process by which plant makes their food is called photosynthesis. Why do plant need water? Plant need water for making food and for transpiration process. What are the various sources of water? Rain water, rain, river, lakes, ponds, wells, tube wells, etc. These are the various sources of water. नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड, सॉइल्स एंड मिनरल्स। ये मैंने बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, सुने हैं, दो दो तीन तीन बार रिवीजन हुआ है। सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल इज सब सॉइल। टाइल्स एंड टॉयस आर मेड ऑफ ग्रैव क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल इज यूज टू मेक बोथ ऑफ दीज। लूमी सॉइल इज गुड फॉर क्रॉप्स। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम बोथ ऑफ दीज। ओके, सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। टाइल्स एंड टॉयस आर क्ले मेड फ्रॉम क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल इज यूज टू मेक सीमेंट एंड ग्लास बोथ। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ एयर वाटर मिनरल्स। क्ले सॉइल इज वेरी स्टिकी। पेट्रोल इज ऑल्सो गुड फॉर ब्लैक गोल्ड। Gold is used to make jewelries. Now true or false? Soil is the second layer of earth. It's false. Soil is necessary for growth of plant. True. Loamy soil is good for crops. True. Gravel soil not hold water. True. Coal and petrols are the minerals. True. Next is what is soil? Soil is a mixture of air, water and minerals. Name the different types of soil. They are clayey soil,
ग्रेवियल सॉइल, लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल. What is the use of clay soil? It is used to make tiles, toys, idols. What are minerals? Minerals are naturally occurring compound of elements. What is humus? Humus is an organic mixture of dead remains of animal and plant which is essential for the growth of plant. Okay? So students, you have to learn all the question answers and exercise, complete exercise of chapter 1 and 2. And tomorrow is your exam of EVS. So all the best students, and learn all the things very clearly. These are the question answer of chapter 2. Write it if you have not written. What is crude oil? Crude oil is a natural form of petroleum. Crude oil is also called liquid gold. How soil is formed? Soil is a thin layer of material covering the earth's surface, and it is formed from the weathering of rocks. These are the two chapters. Second chapter question answer, learn it and prepare it for your next exam. Thank you.